सरकारी ट्विटर अकाउंट्स हैक होने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है, जिसके बाद हैकर्स ने अकाउंट का नाम इलोन मस्क कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रोफाइल फोटो पर मछली की तस्वीर भी लगा दी है। इतना बदलाव करने के बाद हैकर्स ने कई सारे ट्वीट भी पिछले कुछ वक्त में किए हैं। हालांकि कुछ देर बाद ही अकाउंट को फिर से रिस्टोर कर लिया गया है और उन ट्वीट्स को भी हटा दिया गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट हैक करने वाले वही हैकर्स हो सकते हैं जिन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट भी हैक किया था, क्योंकि इस पर भी ठीक वैसे ही कंटेंट देखे जा रहे हैं जो तब देखा गया था। आपको यहां बता दें कि इससे पहले ICWA IMA का भी ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। अगर यहां सूत्रों की माने कि पासवर्ड से समझौता हुआ है या फिर हैकिंग से जुड़े किसी लिंक पर क्लिक हुआ है, ऐसा उस अकाउंट को हैंडल करने वाले किसी शख्स की तरफ से हो सकता है किया गया हो। बाद में CERT ने अकाउंट को रिस्टोर किया है। जब अकाउंट बहाल हो गया तब इसकी जानकारी मंत्रालय ने ट्वीट करके दी, जिसमें लिखा था, हैकर्स की इन हरकतों को देखने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार दूसरे के ट्विटर अकाउंट को हैकर्स कैसे हैक कर लेते हैं। ट्विटर के मुताबिक अगर यूजर्स ने अपना यूजर नेम और पासवर्ड किसी मलेशियस थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट को दिया है, अगर उसका ट्विटर अकाउंट वीक पासवर्ड की वजह से अनसेफ है, अगर आपके कंप्यूटर पर वायरस या मैलवेयर पासवर्ड इकट्ठे कर रहे हैं या आप कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क पर हैं, तो आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। कई बार तो थर्ड पार्टी ऐप में भी कोई बग हो सकता है, जिसकी वजह से अजीब बदलाव हो सकता है। अगर आपको कुछ बदलाव नजर आता है तो आपको तुरंत अपना पासवर्ड बदलना चाहिए या फिर कनेक्शन रद्द करना चाहिए। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।